को अपनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स सीडीसी के साथ शेयर करने की कंसेंट देते हैं। नंबर टू, आप टर्म्स एंड कंडीशंस या डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करते हैं। और नंबर थ्री, आप ब्रोकर का सिलेक्शन करते हैं। ब्रोकर्स की ऑप्शंस वहां पर आपको बैंक की वेबसाइट पे दिए जाएंगे। इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 24 बिजनेस आवर्स और उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग पैकेज की डिटेल्स रिसीव होती हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन या क्रेडेंशियल्स में कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो आपको सीडीसी के जरिए से इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक ईमेल मिलेगी जिसमें आपसे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट की जाएंगी। और साथ ही साथ ब्रोकर के पास से भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स क्या हैं। सीडीसी की तरफ से जो अकाउंट ओपनिंग पैकेज आपको भेजा जाएगा उसके अंदर आपकी ब्रोकर के साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट खोला गया है उसकी डिटेल्स, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने आपको इशू किया होगा वो, उसकी डिटेल्स, और साथ ही साथ आपको आपके सीडीसी के कस्टडी अकाउंट की डिटेल्स, उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये एक कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग पैकेज होगा और साथ ही साथ आप जो है वो ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकेंगे ब्रोकर के साथ। इसके आगे या इनके साथ जो भी स्टेप्स अटैच्ड हैं हम उनके लिए हमने अपने साथ तीन स्पीकर्स आज जो है इनवाइट किए हैं। तो सबसे पहले मैं जवाद हैदर हाशमी साहब जो कि जनरल मैनेजर हेड ऑफ ट्रेडिंग हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनकी तरफ जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले तो हमारी पार्टिसिपेंट्स को ये बताएं कि वाई टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल क्या है और इसमें इन्वेस्ट करने से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यूबीएल कस्टमर्स हैं, उनको क्या एडवांटेजेस या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे। सो जवाद हैदर हाशमी साहब, वेलकम टू दिस अवेयरनेस वेबिनार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी आरिफ साहब, एंड आई एम वेरी प्लीज टू बी पार्ट ऑफ दिस पैनल। आपका बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। बड़ी सादा सी बात करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करने के लिए आपके लिए चंद चीजें जिनको आई एम सॉरी आई शुड हैव आस्क्ड, एम आई ऑडिबल, इज इट क्लियर, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? जी जवाब इज क्लियर, थैंक यू सो मच। ओके, सो फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट फ्यू कैरियर, जवाब साहब वी कैन हियर यू वेरी क्लियरली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ चीजें हमें देखना पड़ती हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, एंड विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, यू नो यू नीड टू फर्स्ट सी के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या हैं बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं उस स्टॉक एक्सचेंज में, एंड व्हाट आर द हिस्टोरिकल रिटर्न्स एंड द परफॉर्मेंस यू नो रजिस्टर्ड बाय दैट इन्वेस्टमेंट। So I think this is very important. In PSX, we offer you know all types of investments to match your investment objectives. Of course, our current offerings are equities, fixed income, derivatives. It is both cash settled and delivery based. And the latest addition to our product suite is the ETF. Though it has been a few months now, 6 months back, we launched 2 ETFs, and recently 2 more are added to the product line. I would also like to share a few numbers with you, you know, in terms of specifics in Pakistan Stock Exchange. We currently have 530 companies हमारे पास listed हैं, इनमें से 217 जो हैं वो Sharia compliant companies हैं। मार्केट की कैपिटलाइजेशन 30 सितंबर को खत्म होने वाले क्वार्टर में 7.5 trillion रुपीस से ऊपर है। हमारी इन्वेस्टर बेस 231,000 से कुछ ज्यादा है। वी हैव 198 एक्टिव ब्रोकर्स, पीएसएक्स ऑपरेट्स 9 indices एंड 4 ETFs, एज आई सेड अर्लियर। इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स, हिस्टोरिकली पीएसएक्स हैड ऑफर्ड 15% एनुअल रिटर्न्स इन द पास्ट 10 years. So that's you know the number speaks itself. Why to invest in Pakistan Stock Exchange? Because it's quite reasonable return on an average basis.
But one thing keep in mind that, you know, stock, किसी भी business में आपको, you need to, you know, plan your investment in such a way, number one, it matches your investment objective. Number two, you know, what are the expected returns? Because return doesn't come alone, it brings along the risk also. So you need to see what is your risk appetite and all. And think a bit long-term, you know. Short-term ke andar aapko trading mein jo hai utar chadhav ka zyada samna karna padta hai, but over a long run, I mean, you know, every investor is a winner, either in the form of capital gain or the dividends the company offers. Iske saath saath jab aap ek very specific to Pakistan Stock Exchange, not only, you know, historically amazing returns have been seen, the investor confidence has also improved over time. And aap logo ke ilm mein hoga ke pichle kuch arse mein the kind of challenges we faced here, one of course the global issue which is to do with the pandemic, and you know, everything literally came to a standstill. And alhamdulillah, we tested our level of resilience, and we are very happy that, you know, PSX continued operating without any disruption for even a single minute. Then you must have seen, you know, the attack, terrorist attack on the exchange, or this torrential rains flooding jo hui Karachi mein. But alhamdulillah, systems and processes are so mature that alhamdulillah, PXX continued operating without any issue. Aur mashallah se, uski wajah se investor confidence bada hai, aur hum dekh rahe hain ki pichle, you know, March onwards, volumes have significantly increased. Humne mashallah September ke mahine mein, you know, we hit a record of 1 billion shares trading in a day. That happened after nearly 11 years. And I would say ki PSX ke bare mein, इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता बात करने का. यू नो, व्हेन वी आर इन द न्यूज फॉर ऑल द गुड रीजंस, बेस्ट इन एशिया, थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 19, एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th ऑफ सितंबर. जब मैं नंबर्स का जिक्र कर रहा था तो उसमें एक नंबर मैंने ये भी कहा कि हमारे पास इन्वेस्टर बेस जो है दैट इज स्लाइटली अबव 231,000. Achha, by the way, this is not a very encouraging number. I mean, let's accept this fact. You know, if we compare it with the population of the country, is region ki sabse purani, I mean, amongst few of the oldest exchanges hone ke bawajood, hamari investor base utni badi nahi hui. Iski bahut sari wajuhat hain, lekin inme ek wajah account opening ke process ka thoda sa mushkil hona bhi kaha jata hai. और इसमें हम वी हैव वेरी एक्साइटिंग प्लान्स फॉर डिजिटाइजेशन. इसमें हमें बहुत सपोर्ट हासिल है हमारे काउंटर पार्ट CDC, नेशनल क्लियरिंग, हमारे रेगुलेटर SECP. एवरीबडी इज सो कीन टू, यू नो, डिजिटाइज दिस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. और हमारे ख्याल से रोशन डिजिटल इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. And you know, we look at it as a pilot, and inshallah with its success, we are very keen to localize this digitization, inshallah. So I think this session is for the Roshan, and I'll hand over to my colleagues to talk to us about that. Thank you so much. Thank you, Jawad sahab. Bahut bahut shukriya aapka. We have an extraordinary number of participants as of right now, 220. That's a great number. Now, I would move on to Mr. Adnan Javed, Head of Digital Payments at UBL. Ye session specifically UBL ke customers ke liye hai. Welcome to the awareness webinar, Adnan Javed sahab, and thank you for joining us. Thank you for your support before this seminar in organizing this session. I would request you कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट और UBL से इसके कनेक्शन के बारे में कुछ बात करें. You have a good 5 to 7 minutes with you. Thank you, Arif. Bismillahirrahmanirrahim, and assalamu alaikum to all the participants. My name is Adnan Javed, and I'm head digital payments for UBL. और I think अच्छी start बताया जवाब ने काफी बेहतर तरीके से PSX को define कर दिया.
और मैं आपको बहुत ही क्रिस्प और ब्रीफ तरीके से रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जो करंट फीचर्स हैं और जो अपकमिंग फीचर्स हैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफ आप सबको करता हूँ. एंड आई शेयर माई प्रेजेंटेशन विद यू ऑल एंड एंड आई थिंक यू कैन व्यू माई प्रेजेंटेशन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. लेट मी रीस्टार्ट इट. So I'll just give you a brief on what is customer proposition for Russian digital account, then some account features, what payment options are available for you guys, and the investment options available right now for Russian digital account customers. So Russian digital account, tamam overseas Pakistani, jo humare Pakistanis bahar rehte hain, unke liye ek facility State Bank aur तमाम बैंक्स ने इनेबल किया है जिसमें आपको इंस्टेंट डिजिटल अकाउंट मिल जाता है और आप कोई भी किसी भी ब्रांच को विजिट किए बगैर अपना अकाउंट खोल सकते हैं. करंटली UBL दोनों करेंसी PKR और फॉरेन करेंसी में अकाउंट ऑफर कर रहा है और फॉरेन करेंसी में जो USD अकाउंट है दैट इज अवेलेबल राइट नाउ और इंशाल्लाह वेरी सून इन नेक्स्ट आई थिंक कपल ऑफ डेज हम पाउंड यूरो सऊदी रियाल और धर्म में भी अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट करवा देंगे. दिस इज यू नो अपकमिंग फीचर. विल टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स. करंटली हम करंट अकाउंट ऑफर कर रहे हैं लेकिन वी हैव गॉट मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर्स कि आप सेविंग अकाउंट का ऑप्शन भी दें एंड दैट्स इन पाइपलाइन इंशाल्लाह. बट वेरी सून सेविंग अकाउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा विद कस्टमर्स. इन टर्म्स ऑफ यू नो डिपॉजिट टाइप अभी हम कन्वेंशनल अकाउंट ऑफर कर रहे हैं टू द कस्टमर्स बट शरिया अकाउंट भी इन पाइपलाइन है और वेरी सून इंशाल्लाह आपको शरिया अकाउंट इस्लामिक अकाउंट हम कहते हैं उसका ऑप्शन भी अवेलेबल होगा अगेन विद ऑल द करेंसीज जो हम ऑफर करेंगे इसके साथ साथ. अभी हम दोनों कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं. वो कस्टमर्स जो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में वो भी और जो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उनको भी. उसमें कुछ कैटेगरीज अभी इनिशियली ऑफर हो रही हैं. इंशाल्लाह जॉइंट अकाउंट ओपनिंग में काफ़ी सारे वेरियंट्स होते हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम कस्टमर्स को अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे. In terms of some additional features, dono account PKR or foreign currency mein we are offering debit cards and checkbooks. Aur dono debit card aur checkbook aapke international addresses pe dispatch ki jati hain and many of the customers jo ki yahan pe sab maujood hain unko ye debit card aur checkbooks available bhi ho gaye honge is waqt tak. Then there is an additional feature jisme aap apna if you have a PKR account and a foreign currency account to aap apne hi accounts mein इसको करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. इफ़ यू हैव ओपन PKR अकाउंट और आपका एक दोबारा आपने अकाउंट खोला जो कि फॉरेन करेंसी में USD में है सो आप विद इन बोथ अकाउंट्स आप अपने करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं. देन जिस रोशन डिजिटल अकाउंट्स के साथ आपको UBL की जो डिजिटल ऐप है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और UBL डिजिटल ऐप में जो पेमेंट्स के ऑप्शन हैं जिसमें आप विद इन पाकिस्तान किसी भी कस्टमर को चाहे वो UBL का हो चाहे वो किसी और बैंक का हो उसको फंड ट्रांसफर्स कर सकते हैं और आप जितने भी बिल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो हमारे डिजिटल ऐप में भी मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे यूटिलिटी बिलर्स भी हैं उनकी बिल पेमेंट्स कर सकते हैं. देन अपने मोबाइल्स के टॉपअप्स जो कि लोकल पाकिस्तानी मोबाइल नंबर्स होते हैं उनके मोबाइल टॉपअप्स भी कर सकते हैं जस्ट टू फैसिलिटेट your family members living in Pakistan, उन सब के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है. एंड देन ज़कात एंड डोनेशन इज़ अ वेरी यू नो अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर्स जो वहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में जो ज़कात और डोनेशन की कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको ज़कात एंड डोनेशन भी दे सकते हैं. देन वी हैव गॉट सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर्स जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है जिसमें USD और PKR में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स जो हैं अवेलेबल हैं और ये पूरा एक डिजिटल एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट बाइंग का. देन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज इज अनदर ऑप्शन बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन जिस पे जवाद ने भी बात की और हमारे दूसरे मॉडरेटर भी बात करेंगे एनालिस्ट. एंड देन इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टॉक रियल स्टेट वी आर ऑल्सो वर्किंग विद
different companies जिसमें सरफेरस DHA है जिनके साथ हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी कि आपके पास रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा. सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस जो पार्टिसिपेंट्स के होंगे. ओवर टू यू आरएफ. थैंक यू जवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया. हमारे साथ अब CDC से सैयद मती और रब हैं जो डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट मती कि आप 5 मिनट्स के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी टॉक को कंक्लूड करें और आसान अजमान में बात करें हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए. वी हैव अ वेरी गुड नंबर, 235 पार्टिसिपेंट्स एज ऑफ राइट नाउ. थैंक यू अदनान साहब, ओवर टू यू मती. वॉशर डिजिटल अकाउंट और उसकी तमाम चीजों के लिए किसके ऑपरेशन कैसे होते हैं, CDC क्या रोल प्ले कर रहा है और ये किस तरह से DSS जो है काम करता है फॉर नॉन रेजिडेंट्स, उस बारे में हम बात करते हैं. वेरी क्विक मैं आपको से बताता चलूं कि DSS बेसिकली एक वेब बेस्ड सर्विस है जो तमाम लोगों को फैसिलिटेट करती है कि उनके जो सिक्योरिटीज़ हैं और जो उनका फंड है वो CDC अकाउंट CDC के थ्रू ही जो हैंडल हो रहा होता है. तो आपका अकाउंट खुल जाता है, वैसे तमाम लोग जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आते हैं और स्टॉक मार्केट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो CDC के बाद उनकी रिक्वेस्ट आ जाती है तो उनकी एक सर्विस एक्टिवेट होती है जो कि डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विस कहलाती है. वो सर्विस के थ्रू आप जो है सिंपली जो तमाम सिक्योरिटीज़ हैं और जो आपके जो सारा कैश है वो CDC के थ्रू जो है वो हैंडल हो रहा होता है. इसके लिए आपको CDC ने एक जब आपको अकाउंट ओपनिंग आपकी मुकम्मल हो जाती है, अकाउंट ओपनिंग को मुकम्मल होने के बाद जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है उसकी तरफ उस पर आपको CDC की तरफ से एक ईमेल मौसूल होती है जो कि वेलकम ईमेल होती है जिसके अंदर आपके तमाम क्रेडेंशियल्स होते हैं. उन तमाम क्रेडेंशियल्स के बेसिकली 3 इसमें अटैचमेंट्स होती हैं. एक वेलकम लेटर CDC का होता है, इसके अंदर आपके जो CDC का पोर्टल है उसके तमाम क्रेडेंशियल्स होते हैं और थर्डली इसके अंदर आपकी अकाउंट डिटेल्स होती हैं. उन तमाम क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए आप CDC के पोर्टल पर जाते हैं और जाके अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही होती है और वो तमाम सिक्योरिटीज और कैश जो इस अकाउंट में मौजूद होता है एग्जिस्ट कर रहा होता है वो सब के सब जो है ब्रोकर के लिए जो है वो विजिबल होता है जिसके थ्रू आप मार्केट में रहते हुए ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेड जो होती है वो होती है ब्रोकर के पोर्टल के थ्रू और जो उसकी सेटलमेंट होती है कैश की या उसकी सिक्योरिटीज की वो CDC के थ्रू होती है. तो ये CDC की एक सर्विस है जो कि DSS कहलाती है जो पर्टिकुलरली डिजाइन की गई है NRPs के लिए और ये एक वेब बेस्ड सर्विस है जो आपको इस तरह से फैसिलिटेट कर रही होती है. और जितनी भी ट्रेड इसके थ्रू होती है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके अकाउंट के अंदर जो आप CDC के साथ मेंटेन करते हैं जो कि कस्टडी अकाउंट कहलाता है, इनफैक्ट उस तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है आप उस CDC के जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके थ्रू जाके वेब पोर्टल भी देख सकते हैं. सो दैट्स अबाउट CDC's वेब बेस्ड सर्विस. सो आई होप के ये CDC के बारे में DSS के बारे में एक सर्विस थी, ठीक है, जिसके बारे में बात की है. फर्दर ये कि जो आपके क्वेश्चन एंड कंसर्न्स हैं सो वी आर हेयर टू आंसर. Or I refer to you. Thank you, Mati. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया. हम अब क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन स्टार्ट करेंगे लेकिन पहले हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को. सो द रूल नंबर 1 इज 1 question, 1 participant. One participant can ask only one question so that we can accommodate all participants. And there are a lot of participants. I believe there are a lot of questions as well. Number one. Number two, जो rule है वो ये है कि अपने question को मुख्तसर रखें और question सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से होना चाहिए. और दूसरी जो services हैं banking services, चाहे वो UBL से related हों या वो पाकिस्तान stock market या पाकिस्तान stock exchange से जो ट्रेडिंग रिलेटेड सर्विसेज जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप इन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट या इनके ईमेल एड्रेसेस या इनके कॉन्टैक्ट सेंटर्स के थ्रू पूछ सकते हैं. हम आज का सेशन सिर्फ
इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस डेडिकेटेड होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं क्विकली पहले आंसर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं पहला क्वेश्चन लूंगा। नंबर वन, कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस देखे कि सीडीसी जो है वो क्या करता है। तो सीडीसी इज द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जहां पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए हुए शेयर्स रखे जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज द प्लेस जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट जहां पर खुल रहे हैं जिन बैंक्स के साथ, जो 8 सिलेक्टेड एसबीपी डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं उसमें से एक बैंक है। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ्तिखारुल हक नागी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है, प्लीज आप सवाल कीजिए। जी जज़ाकअल्लाह खैर। मैं सवाल मेरा ये था कि आप ये अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसकी एक्सपेंसेस कितने हैं पर मंथ या पर एनुअल, और इसके अलावा जो है क्या ये ट्रेडिंग जो है स्टॉक एक्सचेंज की ये डायरेक्ट होगी, यानी कि हम डायरेक्टली उसके जो है वो बाइंग एंड सेलिंग डायरेक्टली कर सकेंगे, और ये जो इनका चल रहा होता है इनका जो प्राइस चल रही होती है वो देख कर और खुद जो है वो बाइंग कर सकते हैं। अदनान साहब, मेरे ख्याल में सवाल के दो हिस्से हैं। पहले सवाल जो करंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में सवाल है वो आप जवाब दे दीजिए, और जो बाय एंड सेल वाला है वो मैं जवाब साहब की तरफ डायरेक्ट करूँ। जी बिल्कुल ठीक है। जो करंट अकाउंट है उसमें देर आर नो चार्जेस राइट नाउ, कोई उसके चार्जेस किसी भी तरह के। और जो सेविंग अकाउंट है डेफिनेटली वो अभी पाइपलाइन में है, जैसे ही लॉन्च होगा बट उसमें कोई अकाउंट पे लेवल पे कोई चार्जेस नहीं होंगे। जवाब साहब जो दूसरा हिस्सा है बाय एंड सेल वाला, उसका जवाब आप दीजिए प्लीज। जी बहुत मुख्तसर, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और हमारे पास वक्त महदूद है। जी इसके लिए जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलेंगे तो उसके साथ ही आप सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, और उसमें आप फिर अपना ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस वक्त 14 आई थिंक ब्रोकर्स की तादाद उसमें मौजूद है, आप उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। इन ब्रोकर्स की एलिजिबिलिटी के लिए एक बात ज़रूरी है कि उनके पास इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग होना चाहिए, तो जिसका मतलब ये है कि आप अपनी बाय और सेल उस ब्रोकर के दिए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ, तो जवाब यह है कि यस, आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ब्रोकर के ऐप को यूज करते हुए कर सकते हैं। सेटलमेंट उसकी थ्रू सीडीसी होगी, राउटिंग फंड्स की राउटिंग जो है वो थ्रू सीडीसी होगी। शुक्रिया, थैंक यू जवाब साहब। दूसरा सवाल हमारा है, स्ट्रेंजली पार्टिसिपेंट का नाम है हुआवे बाय 9 Prime 2019। सर मैडम आप अपना नाम बताइए, अपने मुल्क का नाम बताइए और प्लीज सवाल कीजिए। हेलो जी, वी कैन हेयर यू। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस मुल्क से, और आप सवाल कीजिए प्लीज। अबू जर दुबई से बात कर रहा हूँ सर। जी सर सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी मैंने अकाउंट ओपन किया है इसमें रोशन डिजिटल पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं मिले उस क्या बोलते हैं एटीएम और चेक बुक, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ, लेकिन ऑलरेडी जब मेरे को वेरिफिकेशन हुआ था तो उस वक्त मैंने कहा करंट अकाउंट नॉर्मली मेरे को करना है बस, तो उसमें मैं ऐसा कुछ जब मेरे को मिलेंगे डिजिटल ऐप से मैं वो खुद ट्रेडिंग के थ्रू लिंक कर सकता हूँ कुछ। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान साहब दिस इज फॉर यू। तो आई थिंक जो सवाल में सही समझा इनका कि इनको अभी अकाउंट तो इनका ओपन हो गया है लेकिन इनको डेबिट कार्ड या चेक बुक नहीं मिली है। सो roshan@ubl.com.pk पे एक ईमेल कर दें विद योर अकाउंट डिटेल्स, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू कि आपका जो चेक बुक है और डेबिट कार्ड है वो कब आपको मिल जाएगा। और आई थिंक दूसरा पार्ट इनका था ये कि जब तक वो डेबिट कार्ड और चेक बुक नहीं मिला है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पेमेंट्स की ऑप्शंस अवेलेबल अवेल कर सकते हैं और साथ में स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू अदनान साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद हनीफ मलिक साहब, आप सवाल कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल जो है सीडीसी के रिलेटेड है, अगर मेरे पास पहले फिजिकल शेयर्स हों, अभी मेरा सीडीसी अकाउंट ओपन हो रहा है,
तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी जी मेरे हमारे साथ फैसल पारिक साहब हैं, सीनियर मैनेजर इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज सीडीसी, और इनके साथ जनाब अब्दुल समद साहब हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फैसल प्लीज जवाब दीजिए। जी देखिए, आपका जो फिजिकल शेयर्स है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर होने के आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है उसके साथ वो मुंसलिक या लिंक नहीं हो सकते। उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उसको आप फिजिकल को कन्वर्ट कराएं और एक कस्टडी अकाउंट आपका जो मौजूद होगा या नहीं है या नहीं है उसको ओपन करेंगे और उसके बेसिस पे वो आपके शेयर्स जो है कन्वर्ट होंगे टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए जरूरी है कि उनकी इन्वेस्टमेंट आरडीए अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू वो ट्रांसमिट होगी टू दी सीडीसी, और उनकी जब ट्रांसमिट होगी तो उसके बेसिस पे जो फंड्स परचेज होंगे, जो सिक्योरिटीज परचेज होंगी फंड से, वो ही आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से ट्रांसमिट हो सकेगी और रिपैट्रिएट हो सकेगी। तो वो जो आपके पास शेयर मौजूद है या अकाउंट मौजूद है वो उसको आपको सेपरेटली हैंडल करना होगा। थैंक यू फैसल। जी इमरानुद्दीन साहब बात करेंगे। इमरानुद्दीन साहब सवाल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यूबीएल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने इमीडिएटली मेरा अकाउंट ओपन हो गया विद इन 10 मिनट्स और एटीएम में डेबिट कार्ड भी मुझे 3-4 दिन या 1 वीक में मुझे मिल गए। मेरा क्वेश्चन ये है सीडीसी के हवाले से कि मेरा ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा सीडीसी सब अकाउंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन है जिसके लिए मैंने सीडीसी फोन भी किया था, लेकिन वो कह रहे आपको आना पड़ेगा। मैं अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो यूबीएल में है उसको मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग करूँ लेकिन सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के थ्रू, कि मेरे जो भी शेयर है वो मेरे कस्टडी में फुल रहे, ना कि ब्रोकर के उसमें रहे, ताकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और डिविडेंड और ये चीजें वगैरह के लेना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि मैं किस तरह इधर से बैठ के मैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट खोलूंगा, प्लस वो जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो क्या मेरे मेरे ख्याल में वो किस तरह आएगा मेरे रोशन डिजिटल, क्योंकि उधर तो उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने सीडीसी को भी कॉल किया था उन्होंने मुझे सही जवाब नहीं दिया और फीस के यहाँ और जगहों पे भी मैंने कॉल की थी। काइंडली ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट प्लस वो जो पैसे मुझे मिलेंगे वो कैसे मेरे अकाउंट में आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर मैं सीडीसी सब अकाउंट खोलूंगा उसके बाद फिर मैं किसी ब्रोकर के पास जाऊंगा, जिस तरह अभी मेरे अस्करी सिक्योरिटी में मेरा अकाउंट है, तो क्या मैं उसके साथ इसके थ्रू जो मेरा सीडीसी प्लस रोशन सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट प्लस रोशन डिजिटल अकाउंट प्लस मैं फिर अस्करी से मेरी ट्रेडिंग करवा सकता हूँ उस टर्मिनल पे? जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इमरान साहब, काफी 3-4 सवाल हो गए। फैसल प्लीज आप आंसर कीजिए। जी इमरान साहब का जो सवाल है, तो पहला आपने कहा कि आज आपका ऑलरेडी आपके एक अकाउंट में सब अकाउंट में कुछ आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके शेयर्स मौजूद हैं, तो आपका जो इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना है तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपका यूबीएल में जो अकाउंट है उसके थ्रू आप जो है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट का जो ऑप्शन चूज करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ सीडीसी अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन है। वो जब आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है इमरान साहब कि वो जो शेयर्स हैं आपके जो फंड आप ट्रांसफर करेंगे थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट बैंक अकाउंट उससे आप जो परचेज करेंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे और जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे टू दी रोशन डिजिटल अकाउंट। तो आपका जो आज फंड है जो सरमाया है जो एसेट्स के फॉर्म में सिक्योरिटीज के फॉर्म में है वो आप जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे टू आरडी अकाउंट। सेकेंडली आपने कहा डिविडेंड वगैरह का, तो जिस तरह से आप अगर जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और सिक्योरिटीज पे डिविडेंड अनाउंस होता है और क्रेडिट होता है तो वो डायरेक्टली आपके रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप उस फंड से मजीद आप सिक्योरिटीज परचेज भी कर सकते हैं या उसको रिपैट्रिएट करवा सकते हैं। ऑडिबल नहीं है आरिफ आपकी आवाज। थैंक यू फैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमी विक के पास से, प्लीज आप सवाल कीजिए। हाय अस्सलाम वालेकुम। आई एम माय ओरिजिन इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई हैव अ पीयूसी कार्ड। आई एम नॉर्वेजियन बाय नेशनलिटी एंड माय क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदनान जावेद साहब। एंड द थिंग इज दिस दैट I only have Norwegian nationality and I have a POC card. And through my POC card, I have the right to invest or open bank accounts in Pakistan. But what's happening is this, that when I try to create my account, there is this place for but
Fortunately or unfortunately, I was born in Libya, and I sent, so there is no option there. So I sent the request over the email, and the reply was very, it was not very helpful because they say it's a high risk country. So the thing is this, whether it's high risk or not, I'm not Libyan. I was born there, and I have a POC card. My POC card gives me, so how should I go about it? And I'm sorry, I have one more question. Since I'm going to open the account, I want to invest in this dams, the books I've been thinking about. So should I open a Sharia account because this is a Sukuk offering, or should I open a offering? Thank you. Thank you very much. Adnan sir. Yeah, I think the first question is about you know, place of birth, and if you can send us an email on roshan@ubl.com.pk. I think you have mentioned that you have already done it before, but if you can just mention it that on the webinar you have, you know, requested for this, and I'll take care of this by myself, and definitely will, you know, entertain you for on account opening part. I hope I can answer your queries clear now. Thank you, Adnan sir. The next question is from Raza Hussain Khan sir. Raza sahab, sawal kijiye please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Raza sahab, sawal kijiye. सर मेरा सवाल UBL से है. सर मैंने अकाउंट ओपन कराया था अपना और ब्रोकर सेलेक्ट किया था JS की तरफ से, तो ब्रोकर ने यूजर ने पासवर्ड इशू कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं CDC में फंड ट्रांसफर नहीं कर सका, एरर आ रहा है. तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आरिफ, आई थिंक आप म्यूट हो गए हो, रजा भी म्यूट है. सलाम अलैकुम. जी वालेकुम सलाम. रजा साहब आप म्यूट हो गए थे, आपको अपना सवाल दोबारा करना पड़ेगा. मेरा सवाल UBL से सर. UBL मैंने स्टॉक मार्केट में ब्रोकर सेलेक्ट किया था, लेकिन ब्रोकर सेलेक्ट होने के बाद जब मैं CDC फंड ट्रांसफर, मेरे पास एरर आ रहा है, तो जिसकी वजह से सर मैंने काफी टाइम पहले भी कंप्लेन की थी, लेकिन वो कंप्लेन मेरी अब तक सॉल्व नहीं की है UBL ने. जी अदनान साहब. रजा अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता सकते हैं. सर ईमेल रजा हुसैन खान. जी आप बस मैं नोट कर लेता हूं, एंड डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है. सर मेरा ईमेल एड्रेस है रजा हुसैन खान 372. मैंने नोट कर लिया @gmail.com. Right. ठीक है. Definitely we'll get back to you on this complaint. Thank you, Raza साहब. अगला सवाल है मोहम्मद नाजिम साहब के पास, नजम साहब के पास से. नजम साहब प्लीज सवाल कीजिए. You need to probably unmute him. नजम साहब प्लीज सवाल कीजिए. हेलो. जी नजम साहब, वी कैन हियर यू. वालेकुम अस्सलाम. आप सवाल. सर नाजम बात कर रहा हूं दुबई से. सर मेरा क्वेश्चन मिस्टर अदनान से है UBL. सर रोशन डिजिटल अकाउंट तो ओपन हो गया है, लेकिन उसमें सर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम अपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, तो सर उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है. जैसा कि हम अपने नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो विद इन 30 सेकंड या विद इन 1 मिनट यो UBL के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट में अभी सेकंड टाइम हो गया है कि मुझे कंप्लेन लॉन्च करना पड़ रही है. तो काइंडली इसको थोड़ा चेक करें, इसको थोड़ा फास्ट हो सके इसको प्रोसेस. तो जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया, एंड डेफिनेटली इस प्रोसेस को हम और स्ट्रीमलाइन करते हैं. जिस तरह बाकी UBL के अकाउंट्स में आपके पैसे फौरन आ जाते हैं, इसी तरह रोशन डिजिटल अकाउंट में भी आपके पैसे फौरन आने चाहिए. आई हैव नोटेड दिस पॉइंट.
आरिफ साहब आप म्यूट हैं। मेहमू साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने भी रोशन डिजिटल पाकिस्तान का ये अकाउंट खोला था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट खुल गया है और मुझे डेबिट कार्ड और चेकबुक भी रिसीव होगी। थैंक यू वेरी मच यूबीएल। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान में और कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ ये पहला अकाउंट है और मैं दुबई में रहता हूँ फॉर द लास्ट 41 ईयर्स। तो अगर मुझे पाकिस्तान में किसी से पैसे लेने हो तो मैं कैसे पैसे लूँ, क्योंकि इस अकाउंट में तो ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। शुक्रिया। अदनान साहब जी, तैमूर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस अकाउंट में लोकल डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है, इसमें सिर्फ आप पैसे बाहर से भिजवा सकते हैं, उन पैसों को इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं या किसी को ट्रांसफर्स कर सकते हैं, बट आपको लोकली पाकिस्तान में रहते हुए कोई इसमें अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा पाएगा। थैंक यू। अगला सवाल है हमारा इदरीस साहब से। इदरीस साहब सवाल। इदरीस साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सवाल करने के लिए। जी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ जाते हैं। मोहम्मद फहीम शमीम साहब आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड था कि जो टाइम इस वक्त लग रहा है फ्रॉम लोकल बैंक ट्रांसफर टू यूबीएल डिजिटल वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इट्स अप्रॉक्सिमेटली 4 to 5 डेज, विच इज वेरी इनकन्वीनियंट कि अगर आपको कोई कैश इमरजेंसी भिजवाना है पाकिस्तान तो आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ रहा है जस्ट फॉर द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर अकाउंट इन पाकिस्तान। और दूसरा रेमिटेंस, इफ यू हैव अर्न समथिंग इन पाकिस्तान एंड यू वॉन्ट टू सेंड इट बैक टू योर यूबीएल डिजिटल अकाउंट तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं? मतलब मेरे पास पीकेआर अकाउंट भी है पाकिस्तान में, जो एनआरपी अकाउंट आप लोगों का है एट क्लिफ्टन ब्रांच, और फिर आपका ये यूबीएल डिजिटल फॉरेन करेंसी अकाउंट भी है, बट रेमिटेंस ऑप्शन वहां से बिल्कुल नहीं है एंड आई डोंट हैव एनी लोकल अकाउंट्स इन पाकिस्तान। तो मुझे अगर पैसे वहां से विड्रॉ करने हैं तो व्हाट आर द ऑप्शंस? क्योंकि अदनान यू सेड के इट्स नॉट अलाउड बट यू डिडंट गिव एनी सॉल्यूशन टू दैट। थैंक यू फहीम साहब। अदनान साहब। या सो देखें, जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें एक ऑप्शन हमारे नेट बैंकिंग पे ऑप्शन मौजूद है कि अगर कभी भी पैसे वापस मंगवाने हो तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं और आपके तमाम वो पैसे जो आपने कहे होंगे, चाहे वो पीकेआर में हो या यूएसडी में हो, आपके सोर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज के जो लोकल डिपॉजिट हैं उस पे पॉइंट, बट एज अ रेगुलेशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन अकाउंट्स में सिर्फ पैसे भिजवाए जा सकते हैं बाहर से और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान में, बट लोकल डिपॉजिट इसमें नहीं हो सकता, दैट इज फ्रॉम द स्टेट बैंक रेगुलेशंस। अच्छा, और इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा आरिफ साहब आपकी इजाजत से, ये शायद इस चीज को भी इंश्योर करने के लिए किया गया है कि उसकी जो ट्रेल है फंड्स के आने और जाने की उसमें कोई ऐसी एमलगमेशन ना हो जिससे बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो और यू नो क्वेश्चंस। आपको पता है जिस रजीम में हम यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे कवायदो जवाबत हैं जिनका हमें देखना पड़ता है, तो इससे इस अकाउंट के थ्रू जो है ना वो एक आपकी ट्रेल बिल्कुल इस्टेब्लिश रहेगी कि पैसे कहाँ से आए वापस वहीं पे गए, इसलिए इसमें शायद ये रिस्ट्रिक्शन है। थैंक यू जवाब सर। जी जवाब राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद खुर्रम साहब के पास से। खुर्रम साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी अब सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी खुर्रम बात कर रहा हूँ सऊदीया से। मेरा कंसर्न यूबीएल अकाउंट। जी वालेकुम सलाम खुर्रम साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ट्रेन कर रही है। जी अब आपका आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सवाल कीजिए। बात कर रहा हूँ सऊदीया से। मेरा यूबीएल पाकिस्तान में अकाउंट है, मैं काफी अर्से से यूज कर रहा हूँ। रोशन अकाउंट में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर अराउंड लाइक मोर देन अ मंथ, लेकिन काफी इश्यूज आ रहे हैं उसमें मुझे। काफी कॉल्स पे भी बात हुई है, रोशन जो इनका ईमेल है उस पर भी मैंने काफी क्वेरीज की हैं, लेकिन अभी तक मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो सका और मेरा अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उस रेफरेंस से मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी अदनान साहब।
आप एक दफा फिर अपनी जो ईमेल रिक्वेस्ट है क्वेश्चन एट यूबीएल पे भेजें एंड डू मेंशन कि आपने वेबिनार पे क्वेश्चन किया था एंड आई पर्सनली लुक इनटू आप अकाउंट ओपन क्यों नहीं हुआ. थैंक यू अदनान सर. हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने क्वेश्चन करना है हारिस जिया साहब, आप सवाल कीजिए. हाय, थैंक यू वेरी मच. माय क्वेश्चन इज अलोंग द लाइंस ऑफ the money being deposited from a foreign account is taking a number of days. So if you can clarify, why is there such a lag on this, on UBL side, when you're depositing money? And I attended the webinar last week as well, and they said that at this moment in time, we should not deposit funds into CDC, and we should wait a week or two. So if you can clarify if now, when the UBL funds are cleared, if we can deposit into CDC and begin trading. And there was a previous question someone asked about investing in Sukuks. I don't think that was answered. So if you can shed some light on that, how we should do that, that would be much appreciated. Thank you. Thank you, Haris. These are two questions. One is about UBL and one is about Sukuks. Yeah, so I'll just answer the question from Haris on the remittance part. Again, Haris, there are two different options available for remittance. One is directly comes to UBL. And that's take very little to, you know, credit in your accounts. But the other part is that comes from a third party bank that is within Pakistan. And that's take 2 days, which caused delays in, you know, crediting an account. So that's probably, well, I hope I'm able to answer your question. Thank you. Jawad Saab, your part is about the Sukuks. Okay, thank you very much. Sukuks are listed, you know, the Sukuks which are listed on the stock exchange are traded in the similar way as any other instrument, which is, you know, if you want to buy fixed income stocks, if you want fixed income instruments, which are bonds, or the Sharia variant, which is Sukuk, or the shares, you need to open an account with a brokerage firm who executes your transaction in the market and gets you the Sukuk in your custody account. So there's no difference, and there's no special treatment for someone to go for a Sharia compliant, except that, you know, if he or she wishes to maintain an account with any of the Islamic bank or the Islamic window of a bank. That's another personal choice, but from the stock exchange perspective, there's no difference in investing in a Sukuk or a normal share. Thank you. Thank you, Jawad Saab. Our next question is from Tanveer Abbas Saab. Tanveer Saab, please go ahead. Yes, okay. Mera ek sawal hai, actually I have a two question. One is for Jawad Haider Hashmi Saab. And other is for CDC Pakistan. Jawad Hashmi Saab, pehle main aapse puchunga ki PXS mein koi demo account nahi hai, jaise Saudi market mein Tawal mein humme kuch demo accounts dete hain jiske zariye se hum log ek feel le lete hain ki how the trading is going. So but in Pakistan stock exchange I didn't find this thing. I would like ki aap iske upar ko comment kare ki jisme aap even though 1 lakh ka koi demo account bana dein aur wo hum check kar sake how trading is going aur kis tarah se ye sari hum feelenge. Secondly, mera second question CDC Pakistan se hai ki jab hum digital account ko link karenge so hamari jo transactions hain aur uske baad hame broker ko pick up karna padega. तो मुझे ये क्वेश्चन है कि why we have to go with 3 step, like first हम CDC पाकिस्तान से कनेक्ट करें, फिर ब्रोकर को कनेक्ट करें, he will execute and the fund will be in CDC and then it will go to the Roshan Digital. I need to understand कि इसकी क्या रीजन है. थैंक यू वेरी मच. जी जवाब साहब. अच्छा जी, नहीं बहुत जबरदस्त है तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सजेशन. और हमने इससे पहले एक स्टॉक चैलेंज के नाम से एक कैंपेन हमने शुरू की थी, दैट वाज प्राइमरीली फॉर दी जिसको कहते हैं ना फ्रेशर्स ग्रेजुएट्स, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. और इससे मिलते जुलते कुछ एप्स जो हैं वो ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो भी ऑफर करती हैं. बट आई हैव नोटेड डाउन योर पॉइंट एंड आई विल डिस्कस अपने बिजनेस डेवलपमेंट टीम से कि ऐसा हम कोई डमी अकाउंट, यू नो, जस्ट टू गिव यू अ फील के इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसका फ्लो कैसे होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस सजेशन. थैंक यू जवाहर साहब. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सॉरी, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फैसल पारिक.
अच्छा तनवीर साहब, आपका जो क्वेश्चन था कि आपने कहा कि आपने फंड्स जो है वो ट्रांसफर किए है रोशन डिजिटल अकाउंट बैंक अकाउंट से, फिर देन आपको जो है उसके लिए आपने कहा कि सीडीसी का रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है, फिर सब्सिक्वेंटली ट्रेडिंग करनी है। तो मैं आपको प्रोसेस का थोड़ा फ्लो बता दूं कि प्रोसेस का फ्लो इस तरह है कि जैसे ही आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं और जैसे ही आप अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं थ्रू यूबीएल ऐप, तो होता यह है कि वहां पर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का एक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें आप ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसमें आपके लिए कोई भी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन होती है, जिसमें आपको ये कहीं भी ये प्रोसेस में एग्जीक्यूशन नहीं करनी कि आपको ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर से अलग कोऑर्डिनेट करना है या अकाउंट के लिए सीडीसी से कोऑर्डिनेट करना है। तो जैसे ही आप वो इनिशिएट करते हैं अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट, तो वो सिस्टम के थ्रू जो ब्रोकर आपने सेलेक्ट किया है उसको आपकी रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो जाती है अलॉन्ग विद सीडीसी को अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट। तो सीडीसी का काम ये होता है कि सीडीसी जो है आपको एक पूरा ये कंप्लीट साइकिल जो आरिफ ने आपको इनिशियली बताया था कि 24 बिजनेस आवर्स का प्रोसेस है, उस 24 बिजनेस आवर्स के प्रोसेस में आपका सीडीसी का अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। उसके साथ एक और चीज होती है जो आपके लिए थोड़ी सी रेलिवेंट होगी, जिसको कहते हैं यूआईएन, जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो एक यूआईएन कहलाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इशू वो आपके जो है रजिस्टर्ड करती है। तो ये तीनों प्रोसेस यकजा होकर सीडीसी आपको जब कंफर्मेशन भेजता है तो उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अच्छा, इन एडिशन टू दैट आपको जो है ट्रेडिंग के लिए जो ब्रोकर होता है वो क्रेडेंशियल आपको फॉरवर्ड करता है, क्योंकि क्रेडेंशियल सीडीसी अपनी वेबसाइट के देता है डीएसएस के लिए डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विस के, और ब्रोकर अपने ट्रेडिंग पोर्टल के लिए लिंक और आपको जो है क्रेडेंशियल फॉरवर्ड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जहाँ आप जहाँ आपको मल्टीपल लोगों या मल्टीपल इंटरमीडिएट्स के साथ जो है वो आपको इंटरेक्ट करना होगा। थैंक यू फैसल। मुस्तनसर इकबाल साहब, आप सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्चुअली मेनली क्वेश्चन है अदनान साहब के लिए। हमारा आपने रोशन डिजिटल अकाउंट्स तो दे दिए, जबरदस्त फंटेस्टिक, यू नो ग्रेट सर्विस, ग्रेट पोर्टल। द इशू जो आ रहा है वो ये है जी, मेरी आपकी सर्विस कस्टमर सर्विस वालों से भी बात हुई, आपने जो ट्रांसफर लिमिट लगाई हुई है वो 1 मिलियन की है। सो से फॉर एग्जाम्पल मैं यूके में बैठा हूँ, मुझे किसी को पेमेंट 5 मिलियन करनी है, तो मैं 5 दिन वो ट्रांजेक्शन तो नहीं खेलता रहूंगा ना जी। तो आपको काइंडली वो बड़ा मेरी नजर में प्रैक्टिकल नहीं है, इसकी लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल, अगर आपको उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, बट स्टिल 1 मिलियन की आपको भी पता है 10 लाख पाकिस्तान में तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। आपने छोटा से छोटा प्लॉट भी लेना है तो वो आपको 20-25 को देना पड़ेगा। थैंक यू मुस्तनसर साहब। अदनान साहब जी, आई थिंक मुस्तनसर साहब आपकी गुड सजेशन है, आई विल यू नो कीप अ नोट ऑफ इट और देखते हैं कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो लिमिट सेट की जाती है ये कस्टमर की अपनी यू नो फैसिलिटी के लिए होती है, ताकि कोई अगर रिस्क हो तो उसको मिटिगेट किया जा सके। और आपका जो सजेशन है वो वैलिड है, आई विल लुक इनटू इट कि हम इसको कैसे स्पेशली फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर्स इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अदनान साहब। हमारे वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, काफी सारे सवाल हमारे पास अभी आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की जानिब से। तो मेरी एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि एक पार्टिसिपेंट एक स्पीकर से एक सवाल कहे। राशिद हुसैन साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राशिद साहब, सवाल कीजिए। जी अगर मेरे पास जैसे लेट्स सपोज सऊदी अरब से मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ यूबीएल डिजिटल अकाउंट में, उसके बाद क्या मैं अपने कुछ ट्रांसफर वाइज हो गया, पायोनियर अकाउंट हो गया, या डिफरेंट लोकेशंस पे कोई यूरोप में अकाउंट है तो उसमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, या मुझे वापस उसी सोर्स में लेके आना पड़ेगा जो मैंने सऊदी अरब से पैसे ट्रांसफर किए हैं? अदनान साहब जी, सो अगर आपका सवाल सही समझाऊं तो आप अपना जो पैसे भिजवाएंगे यहाँ पे, और जब आप वापस मंगवाने की बात करें तो आप अपने डिफरेंट अकाउंट में बात करें। सो यस, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। जब आपको रिपेट्रिएशन के लिए रिक्वेस्ट देंगे तो आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स में भी मंगवा सकते हैं पैसे, बट वो अकाउंट आपके नाम पे ही होना चाहिए। थैंक यू अदनान साहब। फयाज नदीम साहब, जी फयाज साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फयाज साहब, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल यह है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसमें ट्रेडिंग के लिए,
तो उसमें रोशन डिजिटल के हवाले से अगर मैं थ्रू सीडीसी जाता हूँ तो इसमें क्या उसमें डिफरेंस आएगा, जैसे उसमें कुछ जिस तरह मतलब क्या कहते हैं सेटलमेंट और पोजेशन का टाइम में कोई फर्क पड़ता है या वो ही रहेगा, या इसका क्या एडवांटेज है अगर मैं थ्रू फैसल पारिक साहब आपके सवाल का जवाब देंगे जी। आप थोड़ा सा फयाज साहब अपने सवाल को एलैबोरेट करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं सेटलमेंट के हवाले से। सर मेरा ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट है दो ब्रोकर्स के साथ पहले, तो रोशन डिजिटल में मैंने अकाउंट खुलवाया अभी, तो इसमें भी ये ऑप्शन क्योंकि आ रही है कि थ्रू सीडीसी जाएंगे, तो उसमें मैंने पूछना था कि इसमें क्या फर्क है, मतलब उसमें क्या एडवांटेज क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इसके थ्रू भी अगर कोई वही सेम ब्रोकर भी चेक ले लूं दोबारा, तो कुछ पोजेशन में फर्क पड़ेगा सेटलमेंट में या क्या इसमें है। फयाज साहब आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है और ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करता हूं और उसमें क्या डिफरेंस है। सर डिफरेंस रोशन डिजिटल में मैंने खोल लिया है, रोशन डिजिटल में ओपन ऑपरेटिव है, बल्कि ट्रांजैक्शन भी मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी सीडीसी वाला ऑप्शन मैंने यूज नहीं किया। फयाज साहब आपका जो अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ मौजूद होगा उसके लिए ये जरूरी है कस्टडी अकाउंट आपका ब्रोकर के पास होगा जो कि सब अकाउंट होगा। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ये आप जो अकाउंट है ये लिंक्ड होगा विद द बैंक, आप जो है आज फंड्स ट्रांसमिट करते होंगे बैंक ब्रोकर को, वो किसी और मोड से करते होंगे जिस मोड के थ्रू बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती होगी, और आप प्रोसेस करने के बाद जब फंड्स रेमिट करते होंगे टू द ब्रोकर उसके बाद फिर जो है आप ट्रेड कर पाते होंगे। इसमें ये प्रोसेस जो है रोशन डिजिटल अकाउंट का, जैसे ही फंड्स आप ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इस पर्पस का मकसद यह है कि आपका एक अकाउंट नया ओपन होगा, चाहे आप ब्रोकर कोई भी सिलेक्ट करें, जो ब्रोकर की लिस्ट अवेलेबल होगी आप जब यूबीएल की वेबसाइट पर जाएंगे और जब आप क्लिक करेंगे ब्रोकर की लिस्ट में तो वहां पर 13-14 ब्रोकर आपको नजर आ रहे होंगे, आप वो ब्रोकर सेलेक्ट करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 24 बिजनेस आवर्स जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में फिर ये होगा कि आपके जो फंड्स हैं आप उसको रिपेट्रेट भी करवा सकते हैं, तो आपने जो परचेज किया सेल किया उसके बेसिस पे आपके जो फंड्स हैं और उसके प्रॉफिट्स हैं वो भी आप जो है दोबारा से अपने सऊदीया में जो है आप लेके जा सकते हैं। आरिफ आप म्यूट हैं। मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और एक दफा फिर ये भी दोहरा देता हूं कि आज का सेशन उन रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए है जिनका यूबीएल में अकाउंट है और वो यूबीएल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या सीडीसी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स जो यूबीएल में अकाउंट होल्डर्स हैं। मेहरोज आफ्ताब साहब आप सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये था जो काफी सारे लोगों ने मेरा सवाल ये था कि जो काफी सारे लोगों ने भी कहा है कि जो हम यहाँ से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उसको मैंने दो दफा ट्रांसफर की, एटलीस्ट 6-7 days लगते हैं उसके बाद जाके फंड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक और चीज ये थी कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो ऐप के थ्रू अवेलेबल नहीं है, वो खाली आई थिंक वेब से है। और लास्ट खाली पॉइंट ये है कि मुझे पता करना है कि इसमें कोई मैंडेट की ऑप्शन नहीं कि इन केस ऑफ बैड इवेंट कुछ हो जाता है तो उसको कैसे जो है फिर कोई और बंदा उसको ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को। बट खुदा ना खास्ता अगर अकाउंट होल्डर तो जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लीगल हेयर सर्टिफिकेशन का होता है बैंक में ये उस पर फॉलो होगा। थैंक यू अदनान साहब। अली शहबाज साहब आप सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, थैंक यू। मेरा सवाल अदनान से है। अदनान साहब मैंने जुलाई में यूबीएल रोशन अकाउंट के लिए अप्लाई किया था, मैं आयरलैंड में बेस्ड हूँ, डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। फर्स्ट मेरे पे ये एलिगेशन आपके बैंक की तरफ से लगा डॉक्यूमेंट्स का कि जी मैं इलीगल हूँ समहाउ, उनको बड़ी मुश्किल से क्लेरिफाई किया। अल्टीमेटली पिट पिट के कॉल्स करके ईमेल्स करके आखिर में जाके अकाउंट खुला, स्टिल दे आर यूजिंग माई प्रीवियस डेटा।
मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, इट्स अ कॉमन सेंस आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ एनआरपी व्हिच मींस इन इजी वर्ड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी. हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट मी विद द पाकिस्तानी मोबाइल नंबर? इट्स कॉमन सेंस. दे आर कंटिन्यूसली सेंडिंग मी सम ईमेल्स, वी वर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू इन दिस नंबर, पाकिस्तान नंबर, यू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, काइंडली क्लैरिफाई. आई सेंड देम लॉट ऑफ ईमेल्स, पर्सनली फोन कॉल, मुझे फोन कॉल रिसीव भी हुआ, सो कॉल्ड कॉपी पेस्ट, मुझे टेम्पलेट रिसीव होता है. यू कैन बी कॉन्टेक्टेड इन 3 days टू सॉल्व द इशू. जुलाई, अगस्त, सितंबर, नाउ अक्टूबर इज गोइंग टू वेट. मुझे बताया मैं क्या करूँ? मुझे चेकबुक और ATM मिल गया, मैं उसको देखता हूँ रोजाना, दोबारा दराज में रख देता हूँ क्योंकि मैं अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिन मांगते हैं मुझसे, कॉन्टेक्ट नंबर पे जो आएगी वो पाकिस्तान का स्टिल डेटा में है. आखिर में मेरे पास एक ऑप्शन रह गया कि मैं कोरियर के थ्रू ये कार्ड कट करके और चेकबुक वापस भेज दूं, और जो मैंने लेसन लर्न किया है वो यही है कि जी मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहूं, इंक्लूडिंग आई एम सॉरी टू से बैंक का भी टाइम यूटिलाइज करता रहूं. तो काइंडली इसको क्लैरिफाई करेंगे. और दूसरा ये कि कस्टमर सर्विस सेंटर, दे आर नॉट रीडिंग द ईमेल्स, दे हैव द जस्ट सिंपल टेम्पलेट्स, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इवन दे आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर राइटिंग. तो काइंडली उनको थोड़ा सा 30 seconds और उनकी टाइमलाइन में ऐड कर दें कि वो देख लें कि ईमेल्स में क्वेरी क्या आ रही है, रेदर देन द कॉपी पेस्ट करने के. और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आई एम टेकिंग मच मोर टाइम, ऑप्शन ऑफ द ज़कात इन द रोशन डिजिटल अकाउंट, इज दिस स्टिल सेम लाइक पाकिस्तानी अकाउंट्स के जी एंड ऑफ द ईयर जो होगा इस्लामिक ईयर या दूसरा ईयर जो है उसमें आप ज़कात काटेंगे कि या हम लोग ऑटोमेटिकली ज़कात का कोई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से ज़कात ऑलरेडी सर्टन फाउंडेशन के अंदर सबमिट करवा देते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड माय अपोलॉजीज कि अगर मेरी कोई वर्डिंग्स, कोई बात, कोई आपको बुरी लगी हो, लेकिन 4 साल से मैं जिस पेशेंस से बर्दाश्त कर रहा हूँ वो आप मेरा हाल जान सकते हैं. थैंक यू. आपको इतना ये टाइम लगा अकाउंट ओपनिंग में और जिस तरह का कस्टमर सर्विस का बिहेवियर हमारे साथ आपके साथ रहा वहाँ पे, सो ऑन बिहाफ ऑफ UBL, बट डेफिनेटली आपका नाम नोट कर लिया है और आपके अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम था आई विल गेट यू नो रेक्टिफाइड और आपको एक ईमेल पे आई विल गेट कंफर्मेशन फ्रॉम आवर UBL साइड. सेकंड आपका क्वेश्चन था ऑन द ज़कात पार्ट, क्योंकि ये अकाउंट अभी जो हमने ऑफर किया दैट इज करंट इन नेचर, इन करंट अकाउंट्स पे ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती है, सो आपके अकाउंट में कोई ज़कात यहाँ पे नहीं कटेगी. सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया होगा, बट डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू ऑन योर अकाउंट स्टेटस और जो आपके साथ जो है वो टाइम लगा पे अकाउंट ओपनिंग करने में. थैंक यू अदनान साहब. उमर खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सवाल कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. उमर साहब सवाल कीजिए. जी सबसे पहले जी आप सबका बहुत शुक्रिया अरेंजिंग का वेनर सेशन, रियली अप्रिशिएट. मेरे 2 questions हैं जी. एक तो मेरा ऑलमोस्ट द सेम वही कंसर्न था जो प्रीवियस कॉलर ने जो है वो बताया कि आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपनी कस्टमर सर्विस टीम. आजकल कस्टमर सर्विस टीम्स के अलावा आपको पता है और कोई वे आउट नहीं है, तो आप ही कस्टमर सर्विस टीम से मुझे कोई 3-4 जो कॉल आई हैं. एक साहब कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, दूसरे कहते हैं आपको सिर्फ चेकबुक मिलेगी, फिर कॉल आती है मुझे आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा. क्योंकि जो तो मेरे यहाँ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि दूसरे बैंक डेबिट कार्ड दे रहे हैं, तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कि डेबिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एवरी टाइम जो है कस्टमर सर्विस दूसरा आंसर देता है मुझे. और आप जो हैं, अब आपने जिस तरह बताया कि आप दूसरा अकाउंट्स में दूसरी करेंसी में ओपन करने जा रहे हैं, तो अगर मेरा अभी अकाउंट जो है वो USD में है और मैं उसे कोई गल्फ करेंसी में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल हो जाएगा? बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अदनान साहब. जी सो उमर का पहला क्वेश्चन था डेबिट कार्ड के हवाले से, तो उमर आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो PKR अकाउंट आपने पाक रुपीज़ में अकाउंट खोला है उस पर डेबिट कार्ड अवेलेबल है,
जो आज भी हम उसको दे रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स अकाउंट को मिल भी गया है, जो यूएसडी अकाउंट है या बाकी फॉरेन करेंसी अकाउंट जब अभी आएंगे उसमें डेबिट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली इस पे भी डेबिट कार्ड अवेलेबल होगा। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि आपका यूएसडी अकाउंट है और आप अगर दूसरा किसी और करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहें तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, आपको एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा जो कि आप अपनी मर्जी की करेंसी में खोल सकेंगे। थैंक यू अदनान साहब। आमिर इलियास साहब आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब सवाल कीजिए। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर यूबीएल प्रोवाइडिंग द ग्रेट सर्विस। और मेरा सवाल अदनान साहब से है कि अगर पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफर करना चाहें, क्या इसमें यूबीएल ये सर्विस प्रोवाइड करता है फ्रॉम माय अकाउंट टू एन अदर अकाउंट फ्रॉम एन अदर बैंक? जी आमिर, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से हमारी नेट बैंकिंग या डिजिटल ऐप यूज करते हुए किसी कस्टमर को पैसे भेज सकते हैं, चाहे वो यूबीएल में हो या किसी और बैंक में हो। तो आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं फॉर पीकेआर अकाउंट। यूएसडी अकाउंट में आप दूसरे बैंक के कस्टमर को पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। थैंक यू अदनान साहब। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तसर और सिर्फ एक सवाल करिए, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, वी हैव ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट अंटिल वी कंक्लूड दिस सेशन। अदनान खालिद साहब। अदनान साहब सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल यूबीएल और सीडीसी से है। एक तो आरडी अकाउंट पे विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है विड्रॉल पे या किसी ट्रांसफर पे, लेकिन मैं अब सीडीसी में जो अमाउंट मैंने ट्रांसफर की है उस पर मुझे विदहोल्डिंग टैक्स कटा है यूबीएल की तरफ से। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर अब मुझे कोई अमाउंट पाकिस्तान से ट्रांसफर करनी है सीडीसी में, तो अब आरडीए में तो इसमें तो बाहर से सिर्फ जा सकती है, तो फिर मुझे क्या सीडीसी में दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? थैंक यू अदनान साहब। अदनान साहब, अदनान जावेद साहब, यू फर्स्ट। जी सो इनका सवाल था कि इनको विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया है इनके अकाउंट से। कुछ कस्टमर्स को इनिशियली आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट के विदहोल्डिंग टैक्स लगा था, बट दैट हैज बीन रेक्टिफाइड। और जिनको टैक्स लगा था विदहोल्डिंग टैक्स, उनको रिवर्ट भी हो जाएगा और वो इंशाल्लाह आज या मैक्सिमम मंडे को रिवर्ट हो जाएगा टैक्स। फैसल साहब। जी अदनान साहब, आपका सवाल था कि आप कह रहे हैं कि आपको जो आज फंड्स जो है आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट में मौजूद है, आप चाहते हैं कि वो आप ट्रांसफर कर दें टू सीडीसी अकाउंट। तो सर इसका जवाब नो है, क्योंकि आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफर करने होंगे फंड्स को सीडीसी अकाउंट में। तो उसके बेसिस पे आपके जो है फंड्स अवेलेबल होंगे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। और जो आपके फंड्स पाकिस्तान में अवेलेबल है उसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा, जो आज नॉर्मल मोड की तरह अकाउंट ओपन होता है उस तरीके से आप उसको यूज करते हुए उस फंड्स को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। थैंक यू फैसल। नूर मईन साहब। नूर साहब सवाल कीजिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ मूव करेंगे। आबिद मजहर साहब। आबिद साहब सवाल कीजिए। जी आबिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। माय क्वेश्चन इज दैट कैन इफ वी हैव एन अकाउंट इन यूएसडी और आरडीए, कैन द होल्डर रिसीव हिज डिविडेंड ऑफ द पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट व्हिच वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट अ ईयर अर्लियर इन दिस अकाउंट इन द यूएसडी? थैंक यू। जी अदनान साहब। नहीं आबिद, अनफॉर्चुनेटली जो जो पुराने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट था उससे पैसे इसमें नहीं आ सकेंगे। अगर आप नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो कि नया लॉन्च हुआ है फॉर दिस स्पेसिफिक फॉर दिस स्कीम, उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका डेफिनेटली जो प्रॉफिट है और जो इन्वेस्टमेंट है वो उस अकाउंट में वापस आ सकेंगे। थैंक यू अदनान साहब। आसिफ अब्बास साहब। आसिफ साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन अदनान साहब से है
कि मैंने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया था और उसके बाद मैंने सीडीसी अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट की थी इनके पोर्टल से, तो इन द मीनवाइल मेरा जो नाइकोप था वो एक्सपायर हो गया। तो अभी सीडीसी वालों ने मुझे बार बार मेरे अपने इंक्वायर करने पे ये चीज़ बताई है कि जी आपका ये जो नाइकोप है वो एक्सपायर्ड है, तो हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अदनान साहब आप मुझे ये बता दें कि क्या मैं अपने नाइकोप को रिप्लेस कर सकता हूँ अपने सीएनआईसी के साथ, क्योंकि वो अभी तक स्टिल वैलिड है। क्योंकि अगर मैं रिन्यूअल के लिए जाता हूँ तो फिर तो वो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हमें अपने जो फॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान भिजवाना पड़ेंगे उसकी वेरिफिकेशन के लिए। तो काइंडली को जरा आंसर कर दीजिएगा। थैंक यू आसिफ साहब। अदनान साहब। या सो आसिफ, आपका क्वेश्चन अगर मैं सही समझाऊं कि आपका जो नाइकॉप है वो एक्सपायर्ड हो गया है, बट यू हैव वैलिड सीएनआईसी, आप इसको जरा एक ईमेल भेज दीजिएगा प्लीज ऑन roshan@ubl.com.pk पे, और मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपने वेबिनार पे एक क्वेश्चन रेज किया था, और वी हैव टू कंसल्ट आवर कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस टीम ऑन दिस, but definitely get back to you कि आप इसको कैसे resolve कर सकते हैं। शमस अब्बास साहब, शमस साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अब्बास बात कर रहे सर। मेरा सवाल जो है ये अदनान साहब से है। मैं तकरीबन 2 माह से ट्राई कर रहा हूँ, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर ली थी, अकाउंट वेरीफाई हो गया था, तो काफ़ी दफ़ा उनसे बात भी हुई है, उनको जो है ना ईमेल्स पे भी मैंने रिक्वेस्ट डाली काफ़ी दफ़ा, तो कोई जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। सर इसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है इसकी लिमिटेशंस क्या है। क्या यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो सऊदी ब्रिटिश बैंक में है, तो जो रिमिटेंस होंगी वो मैं उसी से ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या समटाइम्स ये होता है कि जैसे एसटीसी पे या वेस्टर्न यूनियन, उससे हमें जो है रेट अच्छा मिल जाता है पाकिस्तान जो है ना पैसे ट्रांसफ़र करने का, तो अदर सोर्सेज से भी मैं इस अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो एक और छोटी सी चीज़ है कि ये जो UBL डिजिटल अकाउंट है, हम डायरेक्ट जो है ना वो मार्केट एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते, ये ब्रोकर के थ्रू ही हमें क्यों जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। जो ये जो ब्रोकर के थ्रू जाने वाला सवाल है ये मैं जवाद साहब को हैंड ओवर करूंगा, लेकिन पहले 2 सवाल अदनान साहब आप ले लीजिए। जी आई थिंक इनका अकाउंट खुलने का इशू इन्होंने पहले मेंशन किया। Look into it, कि आप अकाउंट इस वक्त कैसे स्टेट पे है या क्यों अब तक ओपन नहीं हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन कि जो पैसे वे ट्रांसफर कर रहे हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से ट्रांसफर कर सकते हैं। यस यू कैन, आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां से भी आपको सहूलत हो आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू अदनान साहब। जवाद साहब, आर यू स्टिल विद अस? जी जी, आई एम वेरी मच देयर, थैंक यू वेरी मच। जवाद साहब सवाल ये था कि ब्रोकर के थ्रू क्यों ट्रेड करें और डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। स्टॉक एक्सचेंज चूंकि एक रेगुलेटेड इदारा है, तो ये रेगुलेट करता है अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को, और जिस तरह के ये जो तमाम पार्टिसिपेंट्स इस वक्त 198 इनकी तादाद है, इनमें से किसी एक के थ्रू ही आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 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 पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपका नेशनल क्लियरिंग में एक UIN क्रिएट होता है, CDC के पास एक सब अकाउंट होता है, और फिर आप ये इस सारी चीज़ को फैसिलिटेट करता है आपका ब्रोकर, और फिर आप ब्रोकर के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतनी वो डिजिटाइजेशन हो गई है कि ब्रोकर्स के जो ऐप्स हैं वो बहुत इंडिपेंडेंटली आप उस पर काम कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू जवाब साहब। सुहेल नवाज साबिर साहब, आप सवाल कीजिए। और मंडे को मुझे उसकी ईमेल आ गई थी, मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, मैंने उसकी इंटरनेट बैंकिंग इनेबल कर ली, और उसके बाद मैंने उसमें फंड ट्रांसफर कर दिए, और जो फंड है वो अभी तक मेरे उस अकाउंट में नहीं मिले, और उस अकाउंट का बाद में मुझे ये हुआ कि जी ये डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर दें, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके ये जो कस्टमर सर्विस टीम वाले हैं वो सेम डॉक्यूमेंट मैं उनको 4 दफा प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन बस कोई उनका कोई रिस्पांस नहीं है,
लास्ट ईमेल है वो सारी की सारी जो मैं ईमेल करता हूँ, ईमेल का रिस्पॉन्स एक तो बिल्कुल कस्टमर सर्विस का बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पर्सनल यहाँ से इंटरनेशनल नंबर से उनको कॉल कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सॉरी टू से कि जुलाई में मैं ऑलरेडी विक्टिम हो चुका हूँ इसका यूबीएल का, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसका टोकन मनी मैंने दिया और मैं वो ऑन टाइम उसकी जो अकाउंट की पेमेंट है वो नहीं कर सका, तो मैंने अपने 5,20,000 जाये कर लिए यूबीएल की वजह से। और ये मैं 5-6 साल से यूबीएल का कस्टमर हूँ और 5 से 6 दफा मैं जब भी अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करता हूँ तो मेरी इंटरनेट की लिमिट जो है वो 0 सेट हो जाती है। उसके दफा मैं यहाँ से 7-8-10 दफा इंटरनेशनल कॉल्स करता हूँ, डजन ऑफ ईमेल भेजता हूँ, उसके बाद मेरा अकाउंट की जो वो लिमिट है वो रिस्टोर की जाती है। और जुलाई में मुझे किसी सीनियर मैनेजर ने कॉल करके मुझे अपोलोजाइज किया, सब कुछ कहा जी ये दोबारा आपके साथ हैपनिंग नहीं होगा। मैंने यही सोच के रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया कि मेरे पास ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं होगा, ये मुझे सर्विसेज से अच्छी मिलेंगी क्योंकि ये अकाउंट एक प्रायोरिटाइज अकाउंट है, मेरे पास कोई रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होगा और इस अकाउंट की मुझे सर्विसेज जो है वो बेहतर मिलेंगी। लेकिन ये अकाउंट सॉरी टू से इसकी सर्विसेज जो है वो यूबीएल यूनिफ्लेक्स से भी वर्स सर्विसेज हैं सो फार। आई एम सॉरी कि मैंने कोई किया, मेरी अभी तक वो जो ट्रांजेक्शन है आई डोंट नो वेयर इट इज, ना वो मेरे अकाउंट में वापस अलराजी अकाउंट में आई है, ना वो मेरी जो अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ना वो मेरी रोशन डिजिटल अकाउंट में अभी तक क्रेडिट हुई है ट्रांजेक्शन। और मैं कोई 8 से 10 कॉल्स एक्सचेंज हो चुकी हैं और डजन ऑफ ईमेल एक्सचेंज हो चुकी हैं और हर दफा मुझे यही अपोलोजाइज किया जाता है ईमेल्स पे, और वही जैसे किसी दूसरे साहब ने मेरे भाई ने पहले अर्ज किया था कि स्टैंडर्ड ईमेल्स हैं आपके यूबीएल वाले कस्टमर सर्विस वाले कोई उस ईमेल को रीड नहीं करते, मल्टीपल ईमेल्स टिकट ओपन कर देते हैं एक इशू के लिए और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि उसके लिए आप इंटरनेशनल कॉल्स करें सब कुछ करें और मसला रिजॉल्व नहीं होता। सोहेल साहब आपकी जो ग्रीवेंस है वो रिकॉर्ड हो गई है, मैं अदनान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सवाल का जवाब दें। थैंक यू। डेफिनेटली सोहेल नवाज साहब, मैंने आपकी आई अपोलोजाइज की जिस तरह का रिस्पॉन्स यूबीएल कस्टमर सर्विसेज आपको मिल रहा है। अगेन आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस। मैंने आपका नाम लिया है, आई विल सी कि आपके अकाउंट में क्या इशू है, एंड रेमिटेंस आपकी जो डेफिनेटली नहीं पहुँच पा रही है वो अभी तक क्यों नहीं आई है, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, आपको इस पर रिस्पॉन्स मैं खुद दिलवाऊंगा। मोहम्मद स्माइल साहब, स्माइल साहब सवाल कीजिएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने यूबीएल रशियन डिजिटल अकाउंट ओपन किया है लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा। द रीजन इज दैट आई रिसीव टू कॉल्स फ्रॉम योर कस्टमर सर्विस एंड दे आर टेलिंग मी दैट दे आर ट्राइंग टू कॉल मी एंड माय नंबर इज नॉट रीचेबल। सो व्हाट आई डिड, आई गिव देम माय सऊदी नंबर to call me on this number and activate my account. I have already a UBL account, but I want this account for trading. So can you take my details and let them to call me on my Saudi number and activate it for me? Thank you, Ismail sir. Adnan sir. जी sure. आप अगर आप एक email दोबारा करते हैं roshan@ubl.com.pk पे और please mention कि आपने webinar पे ये चीज दोबारा mention की। My customer services team to definitely call you on your Saudi number. Salman Raza sir. Ji. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Ji, walaikum assalam. Salman sir, sawal kijiye. जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया था, उसके बाद मुझे बताया गया कि सीडीसी अगर सर्विसेज लेनी है तो वहाँ पे जाके एक जगह क्लिक करना पड़ता है और वो आपका ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं और आप एक नोटिफिकेशन चले जाता है और 24 आवर्स में आपको जवाब आ जाएगा। मैंने ब्रोकर भी सिलेक्ट कर लिया है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है वहाँ से, ना ब्रोकर के पास से ना यूबीएल से, और लिखा हुआ था 24 आवर्स में हो जाएगा ये काम, ना मेरा कोई आज तक सीटीसी से कोई अकाउंट नहीं रहा, कोई सब अकाउंट नहीं रहा, कोई ब्रोकर अकाउंट नहीं रहा, तो क्या मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए या फिर डायरेक्टली सब चीजें लिंक्ड हैं? और आई विल हियर फ्रॉम यू गाइस, थैंक यू। सलमान साहब, क्या आपका यूबीएल का रोशन डिजिटल अकाउंट खुल गया है? जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस, आई फॉरगॉट टू मेंशन, थैंक यू। मेरा अकाउंट भी खुल गया है, मुझे क्रेडिट, मुझे डेबिट कार्ड भी मिल गया है और मुझे चेकबुक भी मिल गई है, थैंक यू सो मच। सीडीसी के पार्ट के लिए मैं फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जवाब दीजिए। जी सलमान साहब, आपको क्या पहली ईमेल मौसूल हुई थी जिसमें ये मैसेज आया हो क्या कि जो है वो हमें रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी है और विद इन जो है 24 आवर्स आपको है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल मिल गई थी मुझे, रोशन यूबीएल से भी मिल गई थी, सिर्फ यूबीएल से मिली थी, बिल्कुल। अच्छा, आप एक काम कीजिए सलमान साहब, हमारा ईमेल एड्रेस है roshandigital@cdcpark.com,
रोशन मैंने कर दिया, मैंने ऑलरेडी कर दिए वहाँ पे रोशन डिजिटल, मैंने दोनों को कर दिए बेसिकली, रोशन पे भी कर दिए और रोशन डिजिटल एट cdcpark.com पे भी कर दिए। ठीक है, आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ दे दीजिएगा और अपना जो है वो सीनियर नंबर दे दीजिएगा ताकि हम उसको आपको जो है कोऑर्डिनेट कर लें आपसे। थैंक यू जी, मैंने कर दिया ऑलरेडी। मोहम्मद अकरम साहब, अकरम साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि हम दो तीन दिन से पहले रोशन अकाउंट में जो भी यूबिल है मीजान है उसमें दुबई से पैसा भेज सकते, लेकिन तीन दिन से पहले हमने ऑनलाइन और एक्सचेंज के थ्रू भेजने की कोशिश की तो एक्सचेंज वाले कह रहे हैं कि कुछ वेरिफिकेशन के जरिए अभी बंद किया हुआ है, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तीन दिन हो गए इस बात को, क्या क्लियरिफाई कर सकते हो उस हवाले से? अदनान साहब जी, वैसे तो हमारे पास एक्सचेंज हाउसेस से और बाकी बैंक से भी पैसे आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर क्यों एक्सचेंज हाउस ने वहाँ पे आपको ये रिस्पांस दिया है, आप एक बार दोबारा उनसे चेक कर लें, बट हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं एक्सचेंज हाउस से। सखावत साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो जी, वालेकुम सलाम, सखावत साहब सवाल कीजिए। जी सर, मैंने सीडीसी रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया यूबीएल में और उसके बाद मैंने सीडीसी के लिए अप्लाई किया, अगले दिन मुझे सीडीसी का अकाउंट भी आ गया और ब्रोकर का भी आ गया, लेकिन अभी तक यूबीएल में मेरा शो कर रहा है रिक्वेस्ट इन क्यू। मैंने कितनी बार कॉल किया कस्टमर सर्विस से यूपीएल पे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया किसी ने मुझे सही। एक ही हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को, वो आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक मैं फंड ट्रांसफर नहीं कर सक रहा यहाँ से यूबीएल से सीडीसी अकाउंट में। ठीक है सखावत साहब, अदनान साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी सखावत साहब, मैं डेफिनेटली चेक कर लेता हूँ, अगर आप अपना सिर्फ एक ईमेल अगेन कर दें, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपका ईमेल नहीं ले जा रहा, बट मैं चेक करवा लेता हूँ आपका काम। सलमान सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सलमान साहब आप सवाल कीजिए। जी सलमान साहब सवाल कीजिए। थैंक यू सो मच, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्प्रेस हुआ था जब मैंने अकाउंट खुलवाया था यूबीएल में, क्योंकि मैंने किसी और बैंक में भी खुलवाया था पहले, तो वहां पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था मेरा। आपके यहाँ से बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स था, इमिजिएटली अकाउंट खुल गया, इमीडिएटली मैंने फंड्स ट्रांसफर भी कर दिए। फिर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट्स, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, मतलब मेरा नाम था सलमान सलीम अली मोहम्मद, गलती से मैंने सिर्फ सलमान मेंशन किया था, तो मुझे फिर ये ईमेल आ गई कि हम आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अब हुआ ये कि इन द एक हफ्ते के बाद ही मुझे रिस्पॉन्स आया, अब इन द मीन टाइम मैंने कुछ फंड्स ट्रांसफर कर दिए अपने बैंक मस्कत से, अब हुआ ये है कि बैंक मस्कत से भी मेरे पैसे कट गए और यूबीएल में भी क्रेडिट नहीं आया, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे आप रिफंड कर दें बैंक मस्कत में अगेन, तो अब तक मुझे रिफंड भी नहीं मिल पा रहा है। यूबीएल वाले कह रहे हैं कि आप बैंक मस्कत से पूछें, बैंक मस्कत वाले कह रहे हैं कि आप यूबीएल से पूछें, अब इन द मीन टाइम मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं, तो जस्ट प्लीज अगर आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। थैंक यू सलमान साहब, अदनान साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डेफिनेटली सलमान सलीम, मैं आपका केस को चेक कर लेता हूँ कि उसमें इशू क्या हुआ, और अगर वो हम ओपन ना कर सके हुए तो डेफिनेटली आपके पैसे आपके जो जहाँ से बैंक अकाउंट आया है वहाँ से वापस कर दिए जाएंगे। मैं माजरा चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, हम सिर्फ 5 मिनट मजीद सवाल ले सकेंगे, उसके बाद हमें सेशन क्लोज करना पड़ेगा। मोहम्मद रमीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, रमीज साहब सवाल कीजिएगा। सर मैंने यूपीएल से जो है सीडीसी में अकाउंट ओपन करा, सीडीसी की तरफ से भी मुझे मेल आ गई, ब्रोकर को भी मैंने मेल करी, फिर उन्होंने मुझे यूजर आईडी और वो भेज दिया, लेकिन उसमें लॉगिन नहीं हो रहा मेरा, ब्रोकर का जो पोर्टल है जेएस ग्लोबल में, मैंने इससे ब्रोकर से मैंने कॉन्टेक्ट किया, वो बोल रहे हैं कि यूपीएल और सीडीसी के जो अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, आपके जो ऑनलाइन अभी तक कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है वहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा। फिर मैंने सीडीसी में भी कॉन्टेक्ट करा, यूबीएल में भी कॉन्टेक्ट करा, मेल करी, वो बोल रहे हैं हमारी तरफ से इशू नहीं है, ब्रोकर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज काइंडली इसको मुझे बता दीजिएगा। फैसल साहब जी, मोहम्मद अमीर साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये करना था कि आपने फंड्स ट्रांसफर किए हैं टू द ब्रोकर अकाउंट,
क्योंकि आप कह रहे हैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो लॉगिन का मकसद ये है कि क्या आपके क्रेडेंशियल मैच नहीं कर पा रहे या लॉगिन करने के बाद आप ट्रेड नहीं कर पा रहे? सर मैंने जो है यूबीएल का, क्योंकि अभी तक ऑप्शन जो डायरेक्ट हम जो सीडीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं वो तक अभी ओपन नहीं हुआ है, तो मैंने आपने जो मुझे लास्ट टाइम जो एक आईबीएन नंबर दिया था उसके थ्रू मैंने 10,000 रुपीज जस्ट ट्रांसफर करे थे, उसमें 5,000 जो है आप तो आपका जो होल्डिंग है और 5,000 ऑलरेडी मेरे क्रेडिट है अकाउंट में। ठीक है, तो आपके पास जो है जो आपका अकाउंट है वो जेएस ग्लोबल के साथ है? जी जी, जेएस ग्लोबल के साथ है, उन्होंने मुझे आईडी भेजी और मेरा पासवर्ड, बट जो है उनके जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर वो एक्सेस नहीं हो रहा, तो उनसे मैंने कॉन्टेक्ट करा, उनके जो है क्विक रिस्पॉन्स करके उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कॉल भी करी, फिर मैंने उनको पूरा इश्यू बताया, बट वो बोल रहे हैं कि यूबीएल का जो है इस वीक में ये इशू रिजोल्व हो जाएगा, यूबीएल के जो एनआरपी में जो फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है वो भी ओपन नहीं है, यानी जैसे हम डायरेक्ट अपने जो है सीडीसी में अकाउंट में ट्रांसफर कर सके पैसे। ठीक है रमी साहब, आपकी एग्जैक्टली मैंने क्वेरी नोट कर ली है और हम डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं ब्रोकर के साथ, फिर आपको जो है ना रिवर्ट करते हैं। सैयद जुल्फिकार अली शाह साहब सवाल कीजिए। हेलो जी जुल्फिकार साहब सवाल कीजिए। जी सर, मेरे क्वेश्चन है कि सर अगर हम जो रोशन अकाउंट्स है अगर दो बैंक्स में खुलवाया हुआ है तो एक से दूसरे में फंड ट्रांसफर हो सकते हैं, एक ये मेरा क्वेश्चन है, और दूसरा ये है कि जो पीबीसी में चले डिविडेंड तो नहीं आ सकता इसमें, लेकिन अगर पीबीसी से हमने रिपेट्रिएशन करनी हो वो भी तो यही प्रोसेस था स्टेट बैंक का, जिससे जिसको हमने फॉलो किया था कि हम बाहर रहते हैं और बाहर बैंकों से आपको पैसे भेजते हैं, तो वो रिपेट्रिएशन फंड जो है ओरिजिनल उनकी इधर हो सकेगी नया पाकिस्तान रोशन डिजिटल में? और थर्ड क्वेश्चन वो भी है, मैंने लिख के भी भेजा हुआ है, अपना कंप्लेंट नंबर भी दिया हुआ है अदनान साहब को, कि मैंने 7 अक्टूबर को किया था और आज 16 है, मतलब 10 डेज हो गए और मेरे फंड अभी तक नहीं पहुंचे रोशन डिजिटल में। थैंक यू जुल्फिकार साहब। अदनान साहब जी, जुल्फिकार साहब का जो पॉइंट था कि पाकिस्तान मनवा सर्टिफिकेट से रिपेट्रिएशन, मैं मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, बट जो मुझे पता है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में की होगी वो डेफिनेटली वापस आ सकती है, या इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स चेंज में वापस आ सकती है, बट पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट का मुझे कंफर्म करना होगा फ्रॉम स्टेट बैंक एज वेल, थोड़ी सी क्लैरिटी हमें वहाँ चाहिए होगी। इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस मैं दोबारा चेक कर सकता हूँ कि आपकी रेमिटेंस कहाँ पर रुकी हुई है, और डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। मोहम्मद हैज़ कुरैशी साहब, कुरैशी साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, सवाल कीजिए। जी जी, वेरी क्विकली एंड सिंपल, कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शहरिया बेस्ड पाकिस्तान सर्टिफिकेट कब लॉन्च हो रहे हैं? अच्छा, दूसरी मतलब मेरी सजेशंस हैं कि जो चार्जेस हैं जैसे सीडीसी के, ब्रोकर्स के, और जो जैसे कोई टैक्स वगैरह कटेगा प्रॉफिट पे ऑन सर्टिफिकेट वगैरह, या तो वो पब्लिश कर दिए जाएँ उसके अंदर वेबसाइट पर, या कुछ इस तरह का हो कि हमें विजिबिलिटी नजर आए, क्योंकि बिकॉज लेमैन पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पीकेआर जो मेरा अभी ब्रोकर अकाउंट है और मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मुझे रोशन अकाउंट के थ्रू क्या बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू दैट? थैंक यू वेरी मच। अदनान साहब जी, सो पहला आपका सवाल था कि शरिया फॉर्म में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कब लॉन्च हो रहा है, ये होपफुली आपको नेक्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा यूबीएल के पोर्टल पे। और सेकेंड आपका सवाल था टैक्स डिडक्शन का ऑन यू नो द सर्टिफिकेट्स, ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, एंड आई विल एक्सप्लेन के 10% विद होल्डिंग टैक्स है ऑन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट प्रॉफिट। थैंक यू अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू क्लोज दिस सेशन राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास जी फारूक जी फैसला। सवाल का सेकंड पार्ट था कि वो सीडीसी के लिए क्या चार्जेस वगैरह हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सीडीसी के चार्जेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और फॉर द स्पेसिफिक फॉर द आरडीए पर्पस हमारी जो डायरेक्ट सेटलमेंट फी है वो वेव कर दी गई है, कोई चार्जेस नहीं है फॉर आरडीए अकाउंट होल्डर्स जो ये डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विस के थ्रू ट्रेड करेंगे। दो ब्रोकर कमीशन और जो चार्जेस हैं वो ब्रोकर आपसे तय करता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, और आपको वो ट्रांसमिट भी करता है कि क्या कमीशन आपसे वो स्लैब चार्ज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू, तो ये ब्रोकर कमीशन ब्रोकर चार्ज करेगा। फिर इसके अलावा जो जकात भी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती, जकात भी इस पे नॉन रेजिडेंट के केस में नॉट एप्लीकेबल है। थैंक यू। थैंक यू फैसल पारेख साहब, सीनियर मैनेजर इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज सीडीसी, अदनान जावेद साहब हेड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स यूबीएल, जवाद हैदर हाशमी साहब हेड ऑफ ट्रेडिंग पीएसएक्स,
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज बहुत पेशेंटली क्वेश्चंस के आंसर्स किए और सेशन अटेंड किया और हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया। अनफॉर्चुनेटली मैं मजीद सवाल नहीं ले सकूंगा, ये तकरीबन डेढ़ घंटे का सेशन है, हम कंक्लूड कर रहे हैं। फर्दर क्वेरीज के लिए मैं अपने तीनों जो हमारे स्पीकर्स थे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। सीडीसी की तरफ से हमने ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, मैं अदनान जावेद साहब और जवाद हैदर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लाइन का मैसेज चैट बॉक्स में कर दें रोशन डिजिटल का, जो आपका स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस है जिससे आप रोशन डिजिटल से रिलेटेड क्वेरीज आंसर कर रहे हैं, वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि फर्दर क्वेरीज हमारे पार्टिसिपेंट्स उस ईमेल एड्रेस पे भेज सकें। मैं पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, दिस वॉज अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन सेशन, एंड थैंक यू टू द स्पीकर्स एज वेल। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू आरिफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। Do you know what it is?